स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल महिंद्रा ग्रुप आपके रीजनिंग गुरु आपके सामने हाजिर है बिल्कुल हम क्लासिफिकेशन पे बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के हमने लेटर के क्वेश्चन देख लिए हैं नंबर के क्वेश्चन देख लिए हैं बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर लेटर्स और नंबर दोनों मिक्सअप के भी सवाल ले लीजिए तो बिल्कुल हम आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसकी प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू करेंगे तो गुड आफ्टरनून राम राम सलाम वालेकुम सब कुछ हमने विश कर दिया है वेट नहीं करेंगे सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज कुछ बेसिक क्वेश्चन और देख लेते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा वीडियो गुरु ये आपको डेफिनेटली एक बार परचेस करना है बिल्कुल आप जाइए माई शॉप डॉट महिंदा डॉट ओर काफी अच्छा आपके लिए ऑफर है और मुझे लगता है कि आप एक बार देखेंगे तो ये आपको भी काफी पसंद आएगा अगर आप स्टडी फ्रॉम होम करना चाहते हैं ना अगर आपके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है तो ये आपके आपके लिए बैंक और ए, के लिए बहुत है। मैंने आपको बताया था कि लॉजिक किस टाइप से आपको निकालना है अब देखिए सवाल आपके सामने दिया हुआ है बताइए इसका आंसर क्या होगा चलिए गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग सब कुछ हमने विश कर दिया है बिल्कुल बार बार मत बोलिए तो इसमें आंसर कौन सा होगा सोच समझ के आंसर दीजिएगा चलिए बहुत बढ़िया चलिए अलग अलग लोगों के आंसर आने चालू हो गए ठीक है ओके बेटा नाम लेने से कुछ रखा नहीं है बेटा सिंपली मैं आपको कहूं है ना तो बस क्वेश्चन तो सबका ही हमें फिर नाम देखना पड़ेगा तो हम या तो नाम ही देख लें तो आपको, दे, दे आपको ठीक है? चलो, के आ है एक बार देख लेते समझिएगा जैसे यहां पे अगर मैं देखू तो एक और पचासी अगर मैं एक और पचासी का डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा ये पांच हो गया और ग्यारह में आठ कितना हो जाएगा मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया पैतीस आ गया डन अगला देखिए अब 225 और 190 तो सर 225 और 190 कितना होगा सर सर ये पांच हो जाएगा और ये 12 में नौ हो जाएगा तीन और ये भी कट गया मतलब यहां भी डिफरेंस कितना है पैंतीस का है बिल्कुल सही अगला देखिए अगला है 330 और ये पचहत्तर अब अगर मैं इसको देखूंगा तो यहां पे ये डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है 45 का आ रहा है क्लियर अगला देखिए 170-205 तो भैया 170 और 205 का अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो ये कंफर्म मुझे 35 मिल जाएगा यानी 35 मुझे यहां मिला 35 मुझे यहां मिला और 35 मुझे यहां मिला जो डिफर है वो कन्फर्म 45 फाइव हो जाएगा थर्ड तो ऑप्शन right जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा स्टार्टिंग के तीनों में पैंतीस का लॉजिक है लेकिन थर्ड वाले में फोर्टी का लॉजिक बन रहा है क्लियर हो गया डन हो गया ठीक है चलो अगले सवाल पे आते हैं अगला सवाल आपके सामने ये रहा चलो इसको बताओ क्या होगा आराम से मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमेशा क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग होता है नंबर में है ना ध्यान रखिए तो आप हमेशा इवन और मत देखिए ठीक है लॉजिक कुछ और भी बन सकता है अब जैसे मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बहुत जल्दी करेंगे और देखिए मैं देख रहा हूं आंसर आए चालू भी हो गए हैं डी ओके एक आ, बिल्कुल बिल्कुल तो हर एक सवाल का पैटर्न अलग अलग होता है आपको बस वहां पे उसे पहचानना होता है ठीक है अब जैसे बिल्कुल सब लोग जो आंसर दे रहे हैं गलत नहीं दे रहे हैं लगभग लोगों का पैटर्न बिल्कुल सही है कह रहे हैं सर ये कोई स्क्वायर नहीं है बिल्कुल एग्रीड है ये कोई स्क्वायर नहीं है सर ये भी कोई स्क्वायर नहीं है एग्रीड है ये भी कोई स्क्वायर नहीं है सर ये भी कोई स्क्वायर नहीं है ये भी है नहीं लगा पाए क्यों क्योंकि यहां पे ये भी इवन आ गया ये भी इवन आ गया ये तो ये दो ऑर्ड तो थे लेकिन दो इवन भी आ गए तो ये भी नहीं लगेगा सिंपल आंसर क्या हो जाएगा तो द राइट ऑप्शन क्योंकि बाकी सब में आपको दिख रहा है विदाउट uh,

इवन या ऑड है जैसे अगर मैं इसको देखूं तो सर ये ऑड है है ना ये भी ऑड है है ना ये भी ऑड है ठीक है ये भी ये इवन है तो बोलेंगे सर डी ऑप्शन क्योंकि ये इवन है हालांकि मुझे पता है आंसर लोग डी ही देंगे लेकिन इवन ऑड के लॉजिक से नहीं देंगे इवन ऑड के लॉजिक से नहीं देंगे लॉजिक उनका कुछ और होगा चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा तो हमेशा बस ये चीज ध्यान रखो कि दिमाग को थोड़ा फैलाओ है ना जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप दिमाग से खेलना चालू करेंगे अपने दिमाग से कि नहीं लॉजिक कुछ और भी बन सकता है ठीक है चलो हम्म हम्म हु, ठीक है चलो देखो आंसर चालू भी हो गए बिल्कुल 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 सही है ठीक है ओके चलो एक बार सवाल देख लेते हैं सवाल क्या बोल रहे समझिएगा अगर मैं इसको देखूं तो यह क्या हो जाएगा यह आपका उन्नीस का स्क्वायर हो गया ठीक है इसको देखिए सर ये सेवनटीन का लॉजिक स्क्वायर हो गया इसको देखिए सर ये पंद्रह का स्क्वायर हो गया और इसको देखिए तो सर ये सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स है इसका मतलब है कि सर ये छह का क्या है क्यूब है तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर अगर ये स्क्वायर होगा तो ये तीन वैल्यूज एक समान है ये डिफरेंट होंगे तो ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन टू एन सिक्स जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा डन हो गया है क्लियर हो गया है ठीक है चलिए अगर डन हो गया है क्लियर हो गया अब सवाल पे आते हैं अगला सवाल आपके सामने ये रहा चलिए इसको बताइए क्या होगा चलिए बहुत बढ़िया बेटा नाम हम नहीं लेंगे बार बार हम आपसे कह रहे हैं नाम हम नहीं ले पाएंगे प्रॉपरली क्लास पे फोकस करिए है, है ना और नाम नाम ही देखते रह जाएंगे एक घंटे इसलिए क्लास पे फोकस करिए है ना हम सबका आंसर देख रहे हैं प्रॉपरली हम आंसर देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब देखो यहाँ पे कई लोग तो आंसर दे रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को डाउट भी है कुछ के व्यूज अलग अलग आ रहे हैं और कई लोग के आंसर ठीक ठाक मतलब सही भी आ रहे हैं एक बार सवाल का पैटर्न देखिए इस सवाल में क्या बोला देखिए समझिएगा जैसे यहाँ पे सी है डब्ल्यू है और डी है तो देखो यहां पे क्या किया गया यह यहां पे प्लस वन किया गया ठीक है और ये क्या किया गया इसको कर दिया ऑपोजिट यानी लास्ट वैल्यू का जो ऑपोजिट है लास्ट प्लेस का जो ऑपोजिट है इक्वल टू कहां हो गया मिडिल में हो गया कहां हो गया मिडिल में क्लियर ठीक है अब इसको देखो सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू क्या है ओ के पी तो ओ के और पी तो ओ और पी में क्या है प्लस वन है ठीक है o प्लस वन, o प्लस वन पी, और P का जो है वो क्या हो जाएगा के हो जाएगा तो यहां पे सेम किया है अगला देखिए एच एस जी टी तो एस जी और टी तो एस प्लस वन क्या हो गया टी हो गया और टी का ऑपोजिट क्या हो गया जी हो गया तो ये भी बिल्कुल सेम है ये भी सेम है लास्ट पे आइए लास्ट पे है पी के और क्यू तो पी के बाद आएगा क्यू ये तो ठीक है पी के बाद क्यू आ गया अब क्यू का ऑपोजिट होना जे चाहिए लेकिन यहां पे p का ऑपोजिट इसने कर दिया मतलब पहली वैल्यू का ऑपोजिट किया है बाकी सब में लास्ट वाली वैल्यू का ऑपोजिट है लेकिन यहां पे पहली वैल्यू का ऑपोजिट है जो कि लॉजिक को थोड़ा डिफर कर रहा है मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा तो ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा आई होप सो आपको यह लॉजिक प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा ठीक है डन हो गया है ईजी कॉन्सेप्ट है बस इसको आप थोड़ा लॉजिक पकड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अगले सवाल पे आते हैं चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा इसको बताइए क्या होगा आराम से आंसर हम्म क्लियर हो गया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच प्रीति यादव जी थैंक यू सो मच चलिए कई लोगों के लॉजिक लौ... आ गए कई लोगों के आंसर में थोड़ा डाउट है एक बार सवाल देख लीजिए देखिए जैसे यहां पे दिया है ई एच जे तो ई e है एच है और जे है की की प्लेस वैल्यू। e की प्लेस वैल्यू वैल्यू ई है यहां पे इसकी आठ है और इसकी कितनी है दस है तो ये हो गया प्लस थ्री ठीक है फिर ये कितना हो गया ये हो गया प्लस टू डन अगला देखिए अगला है जे एम एल तो जे एम एल इसको पहले कर लीजिए तो दस तेरह और ये कितना ये हो जाएगा 12। तो यहां पे 10 प्लस 3 कितना हो गया तेरह और ये यहां पे किया इसने माइनस वन ठीक है अगला देखिए PSR तो PSR अगर मैं देखूंगा तो P से दिस ये हो जाएगा प्लस थ्री तो और ये यहां पे हो जाएगा माइनस वन हो गया माइनस वन हो गया ठीक है अगला देखिए अगला अगर मैं यहां पर आऊंगा तो वी है वाई है और एक्स है वी की वैल्यू ट्वेंटी वाई की वैल्यू ट्वेंटी फाइव और इसकी वैल्यू ट्वेंटी फोर यानी यहाँ पे इसने किया प्लस थ्री और यहां पे इसने कर दिया माइनस वन मतलब ये सेम है ये भी सेम है और ये भी सेम है दिक्कत कहां आ रही है दिक्कत आ रही है इस सवाले में क्योंकि बाकी सब का लॉजिक बिल्कुल सेम आ रहा है मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा तो यस फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन फर्स्ट वन जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा आई होप सो आपको ये लॉजिक प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा डन हो गया है ठीक है बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है बस ऐसे आप लेटर्स को नंबर फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल आपके सामने ये रहा चलिए इसको बताइए क्या होगा बताइए क्या होगा और किस पैटर्न पे इसका आंसर आएगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया हम्म चलो कई लोगों के आंसर आ गए हैं ठीक है चलो ठीक चलो अब इस सवाल को देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है देखिए समझिए बिल्कुल सेम हम करेंगे x दिया है a दिया है d दिया है अब देखो x की वैल्यू 24 होती है a की वैल्यू 1 भी होती है और 27 भी होती है क्योंकि जब हम जाते हैं z के बाद तो z 26 a क्या हो जाएगा 27 d की वैल्यू होती है क्या 4 और नॉर्मली क्या होती है 30 भी होती है इस टाइप से भी लॉजिक होता है तो 24 और 27 में प्लस थ्री है और 27 और 30 में भी क्या है प्लस थ्री है डन अगला देखिए अगला है पी आर यू तो पी आर यू तो पी से आर पी की वैल्यू कितनी 16 आर की 18 और यू की 21 तो ये हो जाएगा प्लस टू और ये हो जाएगा कंफर्म प्लस थ्री क्लियर ठीक है अगला देखिए जे एल ओ तो जे एल और ओ तो जे के एल ये हो गया प्लस टू ठीक है और एल से ओ ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस थ्री क्यों क्योंकि इसकी वैल्यू दस होती है इसकी बारह हो गई इसकी पंद्रह हो गई क्लियर अगला देखिए अगला है ए सी एफ तो ए सी एफ तो ए तो से सी होगा प्लस टू क्योंकि ये वन ये थ्री और ये सिक्स और यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा प्लस थ्री तो ये सेम हो रहा है ये सेम हो रहा है ये सेम हो रहा है अगेन दिक्कत फर्स्ट वाले में आ रही है मतलब मेरा आंसर क्या हो गया तो यस फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन ए ऑप्शन जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा बोलो लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा बस आपको लेटर फॉर्म को हमेशा नंबर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद लॉजिक देखना है आपका आंसर आराम से आ जाएगा ठीक है डन हो गया अगले सवाल पे आइए अगला सवाल आपके सामने ये रहा इसको बताइए क्या होगा चलिए बहुत बढ़िया ठीक है।, है सर क्लियर हो गया ठीक 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 ओके चलो हम्म ध्यान रखना कमेंट हम सबके देख रहे हैं बस किसी का नाम नहीं ले रहे बाकी हम कमेंट सबका देख रहे हैं चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा वैसे ये सवाल तो मेरे हिसाब से बता ज्यादा आपको टफ नहीं लगना चाहिए क्योंकि सिंपल आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है डी और ई यानी चार और पांच, पी और क्यू यानी सोलह और सत्रह टी और यू यानी बीस और इक्कीस और एम और ओ यानी तेरह और पंद्रह तो ये एक सीक्वेंस में है ये भी एक सीक्वेंस में है ये भी एक सीक्वेंस में है डिफर तो ये हो जाएगा कंफर्म डिफर आपका ये हो जाएगा तो मेरा आंसर क्या हो गया तो ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा आई होप सो आपको ये लॉजिक प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा चलिए लॉजिक क्लियर हो गया डन हो गया अगले सवाल पे आते हैं अगला सवाल आपके सामने ये रहा चलिए इसको बताइए क्या होगा बस कॉन्सेप्ट को पकड़ी है ना पकड़िएप्ट पकड़िए मैंने आपको पहले भी कहा है कि ए टू जेड यानी वन से ट्वेंटी सिक्स तक के लेटर क्लियर होने चाहिए और प्लस ऑपोजिट वाले कॉन्सेप्ट आपके क्या होने चाहिए क्लियर होने चाहिए ठीक है बस ये आप क्लियर कर लेंगे आप लेटर बेस चाहे एनालॉजी हो या क्लासिफिकेशन हो आराम से आप उसका आंसर दे पाएंगे चलो कई लोग आंसर आ भी गए हैं एक बार सवाल देख लीजिए देखिए यहां पे x और w है यानी 24 23 यहां पे f और g है यानी ये 6 और ये 7 यहां पे m और l है यानी ये 12 और ये 13 और यहां पे p है और ये o है ये 15 और ये 16 अब डिफर क्या है डिफरेंस में ये है कि ये हो रहा है क्या -1 अगर मैं आगे से देखूं ये हो रहा है +1 ये हो रहा है माइनस वन और ये भी हो रहा है क्या माइनस वन है ना तो इधर से माइनस वन या प्लस वन कुछ भी आप कह सकते हैं ठीक है ठीके? तो अगर मैं इधर से देखूंगा तो चौबीस से तेईस माइनस वन तेरह से बारह माइनस वन सोलह से पंद्रह माइनस वन लेकिन छह से सात जो है वो प्लस वन हो जाएगा तो ये आपका डिफर हो जाएगा तो ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा आई होप सो आपको ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा ठीक है चलिए क्लियर हो गया डन हो गया अगले सवाल पे आते हैं अगला सवाल आपके सामने ये रहा इसको बताइए क्या होगा चलिए बहुत बढ़िया चलिए बहुत बढ़िया बहुत शानदार ठीक है ओके चलिए कई लोगों के आंसर आ गए हैं बस सवाल का पैटर्न देख लेते हैं क्या बोल रहा है देखिए समझिएगा बी और डी है तो ये दो है ये चार है फिर एम और पी है तो ये है तेरह ये है सोलह फिर एन और क्यू है तो ये है चौदह ये है सत्रह और फिर एच और के है तो ये है कितना आठ और ये कितना है ग्यारह तो ये हो रहा है कितना प्लस टू। ये हो रहा है प्लस थ्री ये हो रहा है प्लस थ्री और ये भी हो रहा है प्लस थ्री तो प्लस थ्री यहां पे प्लस थ्री यहां पे प्लस थ्री यहां पे यहां पे प्लस टू है यानी डिफर आंसर क्या हो जाएगा तो फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा क्योंकि बाकी तीनों में प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री हो रहा है लेकिन फर्स्ट वाले में प्लस टू का लॉजिक जा रहा है इसलिए फर्स्ट वाला डिफर हो जाएगा क्लियर हो गया अगले सवाल पे आइए अगला सवाल आपके सामने ये रहा इसको बताइए

ठीक है, फिर यहां पे M और N है फिर यहां पे H और R है तो यहां पे G और T है अब आपको यह बात तो समझ में आ रही होगी कि यहां पे डिफरेंस का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहां पे प्रॉपरली ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट क्या किया गया है

हाँ, इसके बाद हम आएंगे जीके और साइंस बेस्ड वाले क्वेश्चन पे आएंगे क्योंकि लेटर और नंबर हमने पढ़ लिए हैं इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा तो वहां पे आपको जीके और साइंस बेस्ड जो सवाल होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे ठीक है चलो चलो कई लोगों के आंसर आगे एक सवाल देख लेते हैं जैसे पहला लेटर है डी तो बी सी डी यानी दो तीन और चार अगला है एनपीआर यानी चौदह सोलह और अठारह अगला है के एल और एम यानी ग्यारह और ये हो जाएगा बारह और ये हो जाएगा तेरह और अगला है आर क्यू और पी यानी अठारह यानी सत्रह यानी सोलह अब दो तीन चार ये क्या है ये नॉर्मली एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है सीक्वेंस किसका फॉलो कर रहा है ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है अल्फा बेटिकल सीरीज का यह पता है ठीक है अगला देखिए चौदह सोलह अठारह ये फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पे प्लस टू और प्लस टू होता जा रहा है इसलिए ये फॉलो नहीं होगा इसको देखिए ग्यारह बारह तेरह ये भी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है और ये उल्टा कर रहा है लेकिन फॉलो कर रहा है उल्टा कर रहा है मतलब पहले आया राइट साइड में फिर Q आया फिर आ रहा है मतलब हो रहा है, भले लेफ्ट से या राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है वो कंफर्म मेरा सही जवाब हो जाएगा आई होप सो आपको यह कॉन्सेप्ट प्रॉपरली या अच्छे से क्लियर हुआ होगा चलिए क्लियर हो गया डन हो गया अगले सवाल पे आते हैं अगला सवाल आपके सामने ये रहा इसको बताइए क्या होगा चलिए बहुत बढ़िया बहुत शानदार हाँ सिंपल बहुत लोगों के आंसर आ भी गए हैं बिल्कुल एक बार देख लेते हैं जैसे देखिए यहाँ पे ए बी डी है है ना ये ए बी डी वो नहीं है बिलियर्स वाला नहीं है ना ए बी डी बिलियर्स तो ए की वैल्यू वन ये दो और ये चार ये है एफ जी और आई तो एफ की वैल्यू कितनी छह जी के साथ और आई के नौ ठीक है अगला देखिए अगला है एल और एम और ओ तो एल की वैल्यू बारह एम की तेरह और ओ की पंद्रह ठीक है और लास्ट में है एस टी यू तो एस टी यू मतलब उन्नीस ये हो जाएगा बीस और ये इक्कीस तो इस टाइप से बन गया तो यहां पर प्लस वन है फिर प्लस टू है फिर ये प्लस वन है फिर ये प्लस टू है फिर ये प्लस वन है और फिर ये क्या है प्लस टू है लेकिन यहां पे ये प्लस वन है और ये भी प्लस वन है तो डिफर मेरा ये हो जाएगा ये होगा मतलब मेरा आंसर क्या हो गया तो यस डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा आई होप सो आपको ये लॉजिक प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा ठीक है चलिए डन हो गया है अगले सवाल पे आते हैं अगला सवाल आपके सामने ये रहा इसको बताइए क्या होगा चलिए बहुत बढ़िया चलिए कई लोगों के आंसर आ गए हैं एक बार सवाल का पैटर्न में से देख लेते हैं क्योंकि लगभग लोगों तो क्लियर ही है, 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 है एच की वैल्यू एट जी की सेवन एफ की सिक्स फिर एक्स डब्ल्यू वी है तो भैया ये हो गया चौबीस ये हो गया तेईस और ये हो गया बाईस ठीक है अगला देखिए अगला है एन एम और एल तो ये चौदह ये तेरह और ये बारह और ये ओ पी क्यू है तो ये हो जाएगा पंद्रह ये हो जाएगा सोलह ये हो जाएगा सत्रह वैसे लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्या हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है ये किस किसमें जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है ये भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा ये भी ऐसे जा रहा है ठीक है और ये भी इस टाइप जा रहा है लेकिन ये जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, है ना पहला दूसरा तीसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है लेकिन fourth वाला क्यू आएगा, 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 आएगा। यानी जो जो मेरा है, है, वो वो वाला हो जाएगा, तो इस right इसका सही जवाब हो जाएगा आई होप सो आपको ये लॉजिक प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा अगर लॉजिक क्लियर हो गया चाहिए डन हो गई है अगले सवाल पे आते हैं अगला सवाल आपके सामने ये था इसको बताइए क्या होगा आराम से आंसर कोई दिक्कत नहीं है समय में आपको पूरा दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है बस क्वेश्चन समझिए कॉन्सेप्ट समझिए चीजें क्लियर होंगी आपकी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच चलो इसका इसका आंसर बताओ क्या होगा चलिए बहुत बढ़िया बहुत शानदार ठीक है ओके चलिए

यहां पे भी प्लस टू यहां पे, पे भी प्लस टू और यहां पे भी प्लस टू लेकिन यानी मेरा जो डिफर आंसर है वो क्या हो जाएगा तो डी इज द राइट ऑप्शन डी जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा आई होप सो आपको ये लॉजिक प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा ठीक है चलिए डन हो गया अगले सवाल पे आते हैं अगला सवाल आपके सामने ये रहा इसको बताइए क्या होगा चलिए कई लोगों के वैसे आंसर आ गए हैं और बहुत बिल्कुल सही भी आंसर है देखिए बहुत फास्ट यही यही होता है कि आप जब लॉजिक क्लियर कर लीजिए तो आपके आंसर फिर फास्ट आने अपने आप चालू हो जाते हैं सवाल देखिए क्या बोल रहा है जैसे यहां है, है, है 16, 18, 20, फिर M, O और Q, तो 13, 15, 17, फिर ये है G, E, C, तो ये हो गया सात ये हो गया पांच ये हो गया तीन फिर टी वी और एक्स तो ये ट्वेंटी ये ट्वेंटी टू और ये ट्वेंटी फोर तो यहां पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लेकिन ये यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है क्योंकि यहां पे भी प्लस टू यहां पे भी है ठीक है प्लस टू यहां पे भी है प्लस टू यहां पे भी है स टू यहां पे भी है लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ये पहले माइनस टू हुआ फिर यहां पे माइनस टू हुआ यानी मेरा डिफर आंसर क्या हो गया तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो कंफर्म मेरा सही जवाब हो जाएगा आई होप सो आपको ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा तो आज की क्लास में इतना ही टोटल हमने पंद्रह क्वेश्चन पढ़ लिए हैं अच्छे से अच्छे लेवल के सवाल हमने देख लिए हैं नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जीके और साइंस बेस्ड भी सवाल लाए ताकि उसमें आपका जीके भी इंप्रूव हो क्योंकि लेटर और नंबर दोनों क्लियर हो चुके हैं नेक्स्ट क्लास में हम जीके और साइंस बेस्ड क्वेश्चन भी लाएंगे उस पर भी हम बात करेंगे ठीक है तो आज के लिए टोटल पंद्रह क्वेश्चन थे हर तरह के हर तरह के सवाल हमने पढ़ लिए हैं और क्लासिफिकेशन की दो पार्ट अब खत्म हो चुके हैं तीसरे पार्ट में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ठीक है चलिए ओके ओके ठीक है ठीक है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ठीक है कमेंट कीजिएगा लाइक कीजिएगा और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे ठीक है डन हो गया है तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू सो मच जय हिंद